guys, welcome to my YouTube channel. So hello guys, welcome to Mechanical Designer. तो आज का टॉपिक में हम जानेंगे रोनाल्डो रिसेंटली सऊदी अरब का क्लब अल नसर के लिए साइन किया है। आज का वीडियो में हम जानेंगे क्या सऊदी अरब का हिडन इकोनॉमिक बेनिफिट्स है, इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी है रोनाल्डो जैसा एक बड़ा एक प्लेयर को जो उसका देश का सॉकर लीग का क्लब में साइन किया है। सऊदी अरब को हम जानते हैं वर्ल्ड का वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री है उसका तेल के वजह से। सऊदी वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है जिसके लिए सऊदी का पूरा सऊदी अरब में आलीशान बिल्डिंग, बहुत सारा पैसा, ओल्ड वर्ल्ड के एक वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री जैसा एक सऊदी उभर चुका है। अभी सऊदी का जो ए डेवलपमेंट का पीछे मास्टरमाइंड है वो सऊदी का क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। ये मोहम्मद बिन सलमान बहुत ही ज़्यादा एक फ्यूचरिस्टिक आदमी है जो सऊदी को एक नया ऊंचाई तक लेने जाने में के लिए प्लान कर रहा है। अभी सऊदी का पास एक बड़ा डिसएडवांटेज भी है, और डिसएडवांटेज क्या है वो है ऑयल। 2050 तक आते आते सऊदी का पास पूरा ऑयल जो है पूरा ख़त्म हो जाएगा, जिसके लिए सऊदी अभी से ही प्लानिंग कर रहा है उसका इकोनॉमी को डाइवर्सिफ करने के लिए। जो इकोनॉमी में ऑयल को छोड़ के भी टूरिज्म, मैन्युफैक्चरिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ और भी सेक्टर होगा जो सऊदी को उसका इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए हेल्प करेगा। अभी देख सकते हैं सऊदी एक नया प्लान लेके आया है, वो है नियम सिटी। सऊदी दुबई की तरह एक भी बहुत फ्यूचरिस्टिक ऑयल टेक्नोलॉजिकल सिटी बना रहा है जिसका नाम है नियम सिटी। मोहम्मद बिन सलमान उसका उद्घाटन भी कर गया है। 2030 आते आते ये सिटी कंप्लीट भी हो जाएगा। वो सिटी का खासियत क्या है, ये सिटी लाइन से बना है। ये 150 किलोमीटर लॉन्ग एक स्ट्रेट वे से ये सिटी बनेगा, जिस सिटी के लिए कोई भी तेल का ज़रूरत नहीं होगा। रिन्यूएबल एनर्जी जैसा आपका सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, डिफरेंट टाइप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी से ये पूरा सिटी बनके तैयार होगा, जो सिटी को चलाने के लिए कोई भी ऑयल का ज़रूरत नहीं है। तो क्या होगा, दुबई जैसा हर एक जगह का बिजनेसमैन और अमीर आदमी लोग आके सऊदी में पैसा इन्वेस्ट करेगा, करोड़ करोड़ का रुपया का घर खरीदेगा, जिससे सऊदी इकोनॉमी सस्टेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा वेल कंडीशन में चलेगा। और एक बड़ा आलीशान सिटी होने से भी बहुत ज़्यादा टूरिज्म का भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा सऊदी अरब में। तो सऊदी टूरिज्म का सेक्टर से भी बहुत ही ज़्यादा आगे है, क्योंकि सऊदी का पास अच्छा लैंडस्केप है, अच्छा पूरा मरुभूमि इलाका है, और सऊदी का पास बहुत बड़ा बड़ा सिटी भी है, जिससे दुबई अभी का टाइम में दुबई जैसा हर वर्ल्ड का टूरिस्ट को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो सऊदी भी ऐसा अट्रैक्ट करना चाहता है पूरा वर्ल्ड का डिफरेंट टाइप ऑफ टूरिस्ट के लिए। तो इसके लिए जो टूरिस्ट पैसा लेके आएगा उसको उस पैसा से सऊदी अपना इकोनॉमी को सस्टेन करेगा आफ्टर 2030 जब ऑयल ख़त्म हो जाएगा। अभी सऊदी का पास और एक चीज़ है, वो है फुटबॉल टूरिज्म। फुटबॉल वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट स्पोर्ट्स है। अभी कतर वर्ल्ड कप का बाद सऊदी का पास ही बहुत ज़्यादा एक पोटेंशियल है अपना फुटबॉल को डेवलप करने के लिए। आप देख रहे हैं कैसा सऊदी अरब का बड़ा बड़ा स्टेडियम और बड़ा बड़ा क्लब अपना मैच होस्ट करता है। अभी सऊदी क्या चाहता है, फुटबॉल से एडवांटेज लेने के लिए। आप देखा कुछ दिन पहले भी सऊदी का प्लेइंग स्टाइल भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है, और सऊदी अर्जेंटीना को 2-1 से कतर वर्ल्ड कप में ऑलरेडी डिफीट किया है, जिससे सऊदी का तरफ हर वर्ल्ड का फुटबॉल जो फैंस है उसका जो नज़र है वो बन चुका है। अभी सऊदी उसको यूज़ करने के लिए अपना क्लब से बड़ा बड़ा यूरोपियन फुटबॉलर को अट्रैक्ट करने चाहता है। इससे ही बड़ा स्टेप जो लिया है अल नसर। अल नसर रोनाल्डो को एक ह्यूज अमाउंट से
ऑलरेडी मैनचेस्टर यूनाइटेड से खरीद लिया है, जिससे आप देख सकते हैं अल नसर का फैन फॉलोइंग कुछ ही घंटों में 9900K से 3.6 मिलियन हो गया है। तो पूरा वर्ल्ड अभी अल नसर को फॉलो करेगा, अल नसर का फुटबॉल देखेगा, अल नसर का मैचेस देखेगा, देखने आएगा, जिससे सऊदी को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। सऊदी का अभी जो प्रोफेशनल लीग है वो RSL बोलता है और इसमें 16 टीम खेल चुका है। अभी जो अल नसर का जो होम ग्राउंड है, आप देख सकता है कितना अच्छा स्टेडियम वो लोग बना हुआ है, कितना अच्छा वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना चुका है ये फुटबॉल को आगे बढ़ाने के लिए। अभी रोनाल्डो को साइन करने के बाद एक ह्यूज फैन फॉलोइंग सऊदी अरब को मिलेगा, जिससे हर वर्ल्ड से फुटबॉल लवर सऊदी में आएगा। सऊदी का सॉकर भी बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल होगा। आज का टाइम में जैसा EPL होता है, बुंदेशलीगा होता है, शायद ऐसा सऊदी का क्लब फुटबॉल आगे जाएगा। यही आज का वीडियो है। थैंक यू।